गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कर रहे हैं। आप जानते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कर रहे थे हम, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट जो है फर्स्ट लॉ के वो हमने देख लिए थे। एक एक्सपेरिमेंट हम देख रहे थे, हमने देखा था कि निकाय को दी गई जो ऊर्जा है यानी ऊष्मा जो है, निकाय को दी गई जो ऊष्मा होती है वो दो काम है बेसिकली। एक तो उसमें आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है और निकाय द्वारा किया गया कार्य, इन दो चीज़ों में यूज़ होती है वो। यानी क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा ई हमने देखा था क्यू माइनस डब्ल्यू, ये हमारा इक्वेशन नंबर वन आई थी। इसके बाद मैंने कहा था ये कर्व है, इसको मैं आपको कल एक्सप्लेन करूँगा। तो हम यहाँ से कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इसमें एक ए से बी तक अलग अलग पाथ के थ्रू हमने दिखाया है। ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, बेसिकली मैकेनिकल वर्क है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। आप देखें ए से बी जाने में हम देखें पाथ वन लिया है, पाथ टू है, पाथ थ्री है, और बी से ए वापस गया है, पाथ फोर है, साइक्लिक प्रोसेस है। अगर हम पाथ ए देखें तो इसने क्यू वन हीट एब्जॉर्ब करी, डब्ल्यू वन वर्क किया, तो डेल्टा ई क्या है, क्यू वन माइनस डब्ल्यू वन, इतनी एनर्जी क्या हुई, इंटरनल एनर्जी बनी डेल्टा ई, यानी जितनी हीट ली उसमें से कुछ वर्क हो गया और बाकी क्या हो गई, इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज हो गई। पाथ टू अगर हम लें तो देखिए डब्ल्यू टू सॉरी क्यू टू जो है हीट एब्जॉर्ब करी, डब्ल्यू टू वर्क किया, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना हुआ, डेल्टा ई। पाथ थ्री हम देखें तो भी क्या है, क्यू थ्री उसने हीट एब्जॉर्ब करी सिस्टम ने, डब्ल्यू थ्री वर्क किया, बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, डेल्टा ई। क्योंकि हम जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है जो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है, वो क्या है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड कर रही, और इनिशियल और फाइनल स्टेट वही है ए से बी, ठीक है। पाथ अलग अलग है, तो जब पाथ अलग अलग है तो हीट अलग अलग होगी, वर्क अलग अलग होगा, बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम होगा। बट लास्ट जो देखें हम फोर्थ नंबर, वो बी से ए जा रहा है, तो बी से ए जब जाएगा तो भी देखिए इंटरनल एनर्जी में चेंज जो हुआ वो क्या है, डेल्टा ई डैश हुआ है। तो अगर हम पाथ ए लें ए से बी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई, और अगर हम पाथ फोर्थ लें तो बी टू ए, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डेल्टा ई डैश, साइक्लिक प्रोसेस है। अगर हम ये कहें इफ़ डेल्टा इज ग्रेटर देन डेल्टा ई डैश, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी इज ग्रेटर देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम बी टू ए, ठीक है, डेल्टा ई इज ग्रेटर देन डेल्टा ई डैश, तो हर बार पूरी साइकिल में हम कहेंगे कि कुछ ऊष्मा या कुछ ऊर्जा उत्पन्न होगी, ठीक है। भाई ए से बी में आया तो उसने क्या, ए से बी में आया, हीट ली, वर्क किया, और इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ वो ज़्यादा हुआ, हम ये कह रहे हैं, ठीक है। और जब बी से ए गया तो उसने हीट ली, वर्क किया, और इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हुआ वो कम हुआ, यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ इंटरनल एनर्जी ज़्यादा बनी और यहाँ उसमें से कुछ खर्च हो गई। मान लीजिए जैसे 10 इंटरनल एनर्जी बनी और 8 खर्च हो गई, तो टोटल फ़ायदा कितना हुआ, 2 का, ठीक है, क्योंकि उसी प्रोसेस में है ना, 10 आए 8 गए, तो बचे कितने, 2। वो चीज़ हम कह रहे हैं कि अगर ऐसा है कि इधर से 10 आ रहे हैं, इधर 8 जा रहे हैं, तो हर बार पूरे चक्र में क्या होगी, कुछ ऊर्जा उत्पन्न होगी हर साइकिल में। इट मीन्स जो हमने कहा था फर्स्ट लॉ कि ऐसी गति शाश्वत मशीन बनाना असंभव है जो हर एक चक्र में कुछ ऊर्जा उत्पन्न करे या कुछ जो है ऊर्जा उत्पन्न कर सके, तो वहाँ पे ये फर्स्ट लॉ क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो हम ये कहेंगे कि एक गति शाश्वत मशीन बन जाएगी, यानी परपेचुअल मशीन बन रही है, बट ऐसा हो नहीं सकता बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो हम कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो गति शाश्वत मशीन बनती, परंतु ऐसा होता नहीं है, यानी डेल्टा ई का मान कभी भी डेल्टा ई डैश से ज़्यादा नहीं होगा। इस इट मीन्स आप देखें इनिशियल और फाइनल स्टेट वही है, तो चाहे पाथ फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो या फोर्थ हो, चाहे ए टू बी हो या बी टू ए हो, डेल्टा ई की जो वैल्यू है वो डेल्टा ई डैश के इक्वल ही होगी, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है डेल्टा ई ए से बी आने में, वही आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा बी से ए आने में, क्योंकि ये क्या है, स्टेट फंक्शन है जो कि स्टेट पर डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर, ना कि पाथ पे, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ए से बी आ रहा है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज अलग होगा, बी से ए जाने में इंटरनल एनर्जी में चेंज अलग होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वही हमने कहा कि डेल्टा ई की वैल्यू डेल्टा ई डैश अगर ज़्यादा होती तो हम कहते हैं हर चक्र में क्या होते हैं, कुछ ना कुछ ऊर्जा उत्पन्न होती, तो ऐसे हम बार बार साइकिल कराते रहते, साइक्लिक प्रोसेस बार बार चक्कर कराते रहते और ऊर्जा बनती रहती, तो ऐसी
परपेचुअल मशीन बन जाती, जो कि पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, यानी ये चीज़ असंभव है। इट मीन्स हम ये जानते हैं कि डेल्टा ई और डेल्टा ई डैश की वैल्यू क्या होगी, शुड बी इक्वल, हमेशा इक्वल होगी, ठीक है। वी नो दैट इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, इट इज़ डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, नॉट ऑन पाथ, ठीक है। इट मीन्स पूरे साइक्लिक प्रोसेस में, ये साइक्लिक का निशान आपको मालूम है, ये तो इंटीग्रेशन का है, और ये जो इसको ऐसे गोला कर देते हैं, इसका मतलब साइक्लिक प्रोसेस। तो पूरे साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी, जीरो, यानी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ, जितनी बढ़ी उतनी की उतनी वापस खर्च होगी बी से ए में जाने में, ए से बी में आने में जितनी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, बी से ए आने में वापस उतनी ही इंटरनल एनर्जी वो सिस्टम वापस खर्च कर देगा, यानी डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा ई डैश, ठीक है। इसको अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें हम, तो इस तरीके से लिखते हैं डी ई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। देखिए इसको डी क्यों लिखा, क्योंकि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, आप जानते हैं कल मैंने बताया था एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है यथातथ अवकलन, यानी क्योंकि क्या है, स्टेट फंक्शन है, क्योंकि एक स्टेट फंक्शन है और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, ठीक है। और हीट और वर्क जो है वो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, वो कभी भी जो है केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड नहीं करते हैं, बल्कि वो पाथ पर डिपेंड करते हैं, इसलिए इनको इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल करते हैं, और इनके लिए डेल का साइन लगाते हैं, वो ये वाला लगाते हैं हम, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल ही है, ठीक है। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का डिफरेंशियल फॉर्म है ये, ठीक है। इसके बाद में हम देख रहे हैं गैस का प्रसार कार्य, यानी वर्क ऑफ एक्सपेंशन ऑफ गैस। इसके लिए हमने क्या लिया है, एक भारहीन और घर्षण रहित पिस्टन युक्त सिलेंडर से भरी हुई एक आदर्श गैस की कल्पना करते हैं। हमने कहा एक सिलेंडर लिया, हमने कल्पना करी उसके उसके अंदर क्या है, आइडियल गैस भरी हुई, इमेजनरी हमने मान लिया उसमें आइडियल गैस है, उसके ऊपर एक पिस्टन है जो कि फ्रिक्शन लेस है, और हम कह रहे हैं कि वो वेट लेस है। देखिए ये सिर्फ कल्पना है ना, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, पहली बात तो आइडियल गैस ही नहीं होती कोई, दूसरी बात पिस्टन फ्रिक्शन लेस नहीं हो सकता, और चलो फ्रिक्शन लेस आप कर भी दो तो वेट लेस नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी मैटर अगर है तो उसका वेट तो होता ही है। यहाँ जो हमने कल्पना करी है वो वेट लेस एंड फ्रिक्शन लेस पिस्टन की कल्पना करी है, ठीक है। परंतु जो सिलेंडर है वो ऊष्मा रोधी नहीं है, यानी आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, सिस्टम जो है वो हीट एक्सचेंज कर सकता है, यानी सराउंडिंग के साथ में हीट का एक्सचेंज हो सकता है, तो ऊष्मा रोधी नहीं है। तो परंतु पूर्णतः प्रक्रम क्या है, तापीय साम्य में होगा, जब वो हीट एक्सचेंज कर सकता है तो हम ये कह सकते हैं कि पूरा जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल होगा, क्योंकि अगर हीट इवॉल्व होएगी या हीट डेवलप होएगी तो वो सराउंडिंग में दे देगा, और हीट की रिक्वायरमेंट होएगी तो वो सराउंडिंग से ले लेगा। किसी भी केस में वो सिस्टम जो है वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा, हीट ले करके या हीट दे करके सराउंडिंग से, ठीक है। यानी ऊष्मा रोधी नहीं है, आइसो वो क्या बोलते हैं उसको, आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है, वो आइसोलेटेड प्रोसेस नहीं है। ये हमने कल्पना करी, ये रहा देखिए आपका सिस्टम, ये सिलेंडर है, अंदर गैस भरी हुई आइडियल गैस है ना, ये पिस्टन है जो फ्रिक्शन लेस और वेट लेस है। स्टार्टिंग में हमने देखा कि ये पिस्टन रुकेगा कब, क्योंकि फ्रिक्शन लेस और वेट लेस पिस्टन है, कब रुकेगा, जब एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर के बराबर होगा। इंटरनल प्रेशर किसका है, गैस का प्रेशर, गैस के मॉलिक्यूल्स जो है इसको बाहर की तरफ धकेलेंगे पिस्टन को, और बाहर का प्रेशर जो है वो क्या है, एनवायरमेंटल प्रेशर। जब एनवायरमेंटल प्रेशर इस गैस के प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो उस केस में ये पिस्टन रुक जाएगा, और उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई, ठीक है, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। उसके बाद हमने कहा कि गैस क्या क्या कर रही है, हीट एब्जॉर्ब करके एक्सपैंड होती है, क्या करती है, एक्सपैंड होती है। कैसे होगी कि हमने एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर दिया, कितना, डीपी अमाउंट में कम कर दिया, पी एक्सटर्नल जो है उसको हमने थोड़ा सा कम कर दिया, कितना कम किया, डीपी कम किया, तो पी एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, पी माइनस डीपी। जैसे ही डीपी अमाउंट में प्रेशर कम हुआ तो गैस अंदर से प्रेशर बढ़ाएगी और वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, डीवी वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। तो डीपी वॉल्यूम कम, डीपी प्रेशर कम करने पर वॉल्यूम कितना बढ़ जाता है, डीवी बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ेगा धीरे धीरे, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और एक ऐसी कंडीशन आएगी जब वापस इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। जब वापस इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो उस केस में फिर से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, फिर आप और प्रेशर को डीपी कम कर दीजिए तो फिर से वॉल्यूम डीवी बढ़ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, फिर पिस्टन रुक जाएगा, मतलब ये प्रोसेस चलता रहेगा। आप ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेस कर सकते हैं जिनमें आप बार बार प्रेशर को डीपी कम करें
तो वॉल्यूम डीवी बढ़ेगा। कहने का मतलब यह है कि दाब कम करने पर, यानी प्रेशर कम करने पर, बाह्य दाब एक्सटर्नल प्रेशर कम करने पर गैस का आयतन बढ़ता है। ठीक है, तो ये सारी जो है चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। देखिए अब इसको अपन पढ़ लेते हैं कि पहले तो हमने क्या किया, फ्रिक्शन लेस और जो है वेटलेस पिस्टन की हमने कल्पना करी। आदर्श गैस भरी हुई है सिलेंडर के अंदर, ऊष्मारोधी नहीं है और पूर्ण से प्रक्रम क्या है, तापीय साम्य है। गैस पर लगने वाला जो बाह्य दाब है पी एक्सटर्नल, वो गैस के दाब पी के बराबर है। यदि बाह्य दाब को पी के बराबर, तभी तो इक्विलिब्रियम है। अब यदि बाह्य दाब को हम कम कर दें, कितना, डी पी कम कर दें, तो दाब जो है पी से कम हो जाएगा, यानी पी माइनस डी डी पी हो जाएगा, और आयतन बढ़ जाएगा वी से डी वी बढ़ जाएगा, यानी वी प्लस डी वी हो जाएगा। ठीक है, वी तो ऑलरेडी था, डी वी बढ़ गया, यानी वी प्लस डी वी। ठीक है, ये इंग्लिश में लिख रखा वही चीज़ है। इफ़ एक्सटर्नल प्रेशर इज डिक्रीजेज बाय स्मॉलेस्ट क्वान्टिटी डी पी, देन प्रेशर इज डी पी एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इज वी प्लस डी वी। और जब दाब कम किया जाता है, यानी बाह्य दाब को जब हम कम करते हैं, तो गैस का आयतन बढ़ जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर बाद पहले आपको ये बात कही थी, डायग्राम के थ्रू समझाई थी कि दाब कम करने पर आयतन बढ़ता है। ठीक है, देन हम कह रहे हैं कि गैस बाहर की तरफ दाब लगाती है जिससे आयतन बढ़ता है, कुछ समय बाद में पुनः वापस आंतरिक दाब के बराबर हो जाता बाह्य दाब। ठीक है, तो पुनः साम्यावस्था आ जाती है। यदि ये प्रक्रम यानी प्रोसेस हम बार बार दोहराते रहेंगे, तो हर बार डी वी आयतन बढ़ता जाएगा। मैंने अभी आपको कहा कि आप बार बार जो है इसको प्रोसेस को करें, यानी डी पी अमाउंट में प्रेशर कम करें, वॉल्यूम बार बार डी वी बढ़ता जाएगा। तो इन एवरी प्रोसेस डी वी वॉल्यूम इंक्रीजेस, यानी हर प्रोसेस में डी वी वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। प्रत्येक चरण में प्रसार में किया गया जो कार्य है, यानी प्रत्येक जो हम कह रहे हैं बार बार जो हम एक एक स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, तो प्रत्येक चरण में जो है प्रसार हो रहा है। प्रसार हो रहा है इसका मतलब क्या किया जा रहा है, वर्क किया जा रहा है। तो प्रत्येक चरण में यानी प्रत्येक स्टेप में जो एक्सपेंशन वर्क है, यानी डी डब्ल्यू, वो बाह्य दाब और आयतन में वृद्धि के गुणनफल के बराबर होता है। वो क्या होता है, बाह्य दाब और आयतन में वृद्धि के गुणनफल के बराबर होता है। बाह्य दाब क्या है, पी माइनस डी पी, क्योंकि आपने डी पी अमाउंट कब किया था, तो एक्सटर्नल प्रेशर तो क्या हो गया, पी माइनस डी पी, और आंतरिक दाब में वृद्धि कितनी हुई, ओनली डी वी वृद्धि हुई, तो मल्टीप्लाई बाय डी वी। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं कि जो वर्क है, वर्क इज इक्वल टू द डिक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय इंक्रीज इन वॉल्यूम। यानी कि बाह्य दाब, यानी कि जो किया गया कार्य है, हर बार हर चरण में या हर स्टेप में बार बार आप डी पी प्रेशर कम कर रहे हो और डी वी वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इस हर चरण में यानी हर एक स्टेप में जो किया गया कार्य होता है, गैस वर्क करेगी और गैस वर्क करके क्या करेगी, वॉल्यूम बढ़ाएगी। तो हर चरण में जो किया गया कार्य है, वो दाब में हुई कमी, दाब में कमी कितनी हुई, इतनी, पी माइनस डी पी, और आयतन में हुई वृद्धि यानी डी वी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए इसको जब खोलेंगे तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया, पी माइनस डी पी डी वी, तो ये हो जाएगा पी डी वी माइनस डी पी डी वी। डी पी डी वी जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है, उसको हम नेग्लिजिबल मान के छोड़ देते हैं, इट इज़ नेग्लिजिबल। तो डी डब्ल्यू आया क्या, पी डी वी। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे वी वन से वी टू तक। ठीक है, वॉल्यूम में यानी वी वन से वी टू तक इंटीग्रेशन कर देते हैं वर्क का। तो वर्क का जब इंटीग्रेशन करेंगे डी डब्ल्यू का, तो वो हो जाएगा डब्ल्यू, और पी डी वी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं वी वन से वी टू तक पी डी वी का। ठीक है, तो यह आया डब्ल्यू, यानी वर्क का आ गया हमारे पास, कि ये होता है वर्क। ये जो वर्क है, ये डब्ल्यू की वैल्यू जो है हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर वन में। इक्वेशन नंबर वन आपने देखी थी, हमने आज सुबह अभी करी है थोड़ी देर पहले, ये रही अपनी इक्वेशन नंबर वन, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। तो डब्ल्यू की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हो गया पी डी वी का इंटीग्रेशन है वी वन से वी टू तक। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस इंटीग्रेशन वी वन से वी टू तक पी डी वी, ये हो गया इंटरनल एनर्जी में चेंज। ठीक है, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसमें अलग अलग केसेस हैं, जैसे हम मानते हैं कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस है आइसोकोरिक प्रोसेस है, ये यानी समायतनी प्रक्रम है। तो अब समायतनी प्रक्रम है तो आयतन में परिवर्तन क्या होगा, शून्य, यानी डी वी इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। और अगर डी वी जीरो है तो ये पूरी वैल्यू क्या जाएगी, जीरो, यानी कि आंतरिक ऊर्जा, यानी कि जो आपने हीट दी क्यू,
डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा, यानी क्यू जो है आपने जो हीट दी है वो पूरी की पूरी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में काम आ रही है, किसी प्रकार का कोई वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी, वी क्यू लिखा एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है, समायतनी प्रक्रम है ना, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम यानी क्यू वी, अर्थात आंतरिक ऊर्जा में जो वृद्धि है वो स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा के बराबर होती है। आंतरिक ऊर्जा में जो वृद्धि होगी वो स्थिर आयतन पर, क्योंकि आयतन स्थिर है, तो स्थिर आयतन पर जितनी ऊष्मा अवशोषित होगी उसके बराबर हो जाएगी, ठीक है, स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा के बराबर होगी, ठीक है। नेक्स्ट केस हम देखते हैं कि जब बाह्य दाब शून्य हो, पी एक्सटर्नल जीरो हो, और जब पी एक्सटर्नल जीरो होगा यानी पी इजिकल टू जीरो, और जब पी जीरो होगा तो उस केस में भी हम कह रहे हैं कि ये वी वन से वी टू तक जो पी डी वी की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि पी जीरो है तो पी डी वी भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो उस केस में भी डेल्टा ई इजिकल टू क्या हो जाएगा, क्यू पी, पी क्यू लिखा क्योंकि प्रेशर कॉन्स्टेंट है, ठीक है, जो कॉन्स्टेंट होता है उसको हम यहाँ ऐसे सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, तो क्यू पी। इसका मतलब क्या है कि स्थिर दाब पर जितनी ऊष्मा अवशोषित हो रही है वो पूरी ऊष्मा क्या कर रही है, आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने का काम कर रही है, ठीक है। इट मीन्स एक्सपेंशन इन स्पेस, सो वर्क डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, इट इज़ कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। और इस केस में क्या हो रहा है, प्रेशर जीरो है यानी कि एक्सपेंशन हो रहा है, फ्री एक्सपेंशन। और जब एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होगा तो गैस क्या होगी, एक्सपैंड होगी, ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं, फ्री एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है, यानी मुक्त प्रसार हो रहा है, ठीक है। और आंतरिक ऊर्जा में जितनी ऊष्मा वो लेगा वो सारी की सारी क्या होगी, गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करेगी, ठीक है। थर्ड केस, जब बाह्य दाब स्थिर हो, कांस्टेंट हो, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होगा, जब कांस्टेंट होगा तो वो बाहर आ जाएगा, यानी W इज इक्वल टू पी, वी वन से वी टू तक इंटीग्रेशन किसका होगा, डी वी का होगा, क्योंकि जो कांस्टेंट चीज़ें होती हैं उसको हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वी टू माइनस वी वन, क्योंकि ये इंटीग्रेशन किया तो वी टू माइनस वी वन, और वी टू माइनस वी वन क्या होगा, डेल्टा वी, यानी W क्या हो गया, पी डेल्टा वी। ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर वन में, इक्वेशन नंबर वन यही थी अपनी, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू माइनस W, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू पी, क्योंकि पी क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी, ठीक है, यानी क्यू पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। इसका मतलब क्या है कि स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा का जो उपयोग है वो अवस्था परिवर्तन के लिए किए गए कार्य और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि दोनों के लिए होता है। आई बात समझ में, कि स्थिर दाब पर आपको मालूम है दाब स्थिर था, अवशोषित ऊष्मा जो है उसका उपयोग दो तरीके से होता है, एक तो वो क्या करती है, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है, और साथ में किया गया कार्य यानी पी डेल्टा वी, पी डी वी भी बोलते हैं इसको हम, पी डेल्टा वी जो वर्क है वो पी डेल्टा वी, उन दोनों को करने के लिए होता है। इट मीन्स हीट अब्सॉर्ब एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज यूजफुल टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड वर्क डन ऑल्सो, ठीक है। तो ये था हमारा जो है एक्सपेंशन ऑफ ए गैस, ठीक है, गैस का प्रसार कार्य यानी वर्क ऑफ एक्सपेंशन ऑफ गैस, ठीक है। इसके आगे का जो है अब हम करेंगे कल, आज इतना ही करेंगे, कल तो क्या बेसिकली मंडे को करेंगे अब, ओके, थैंक यू।